और जो सच्चाई है बस वही दिखा रहे हैं, बट एक एंटरटेनिंग तरीके से दिखाना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल आर एक्टर्स और हम एंटरटेन करना करने का काम है हमारा और वही करना चाहते हैं। दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मैंने अब तक शूटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन शूटिंग से पहले मेरी डबिंग आ गई है, इमेजिन। सो डबिंग में मैंने दोनों के सीन्स देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेरा कैरेक्टर है वो हीरो से बहुत क्लोज है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही वाइब्रेंट औरत है, बहुत ही प्यारी है। फिर अब मैं आ रही हूँ तो कुछ ऊंच नीच कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। सो शेड्स हैं और कोशिश करूँगी कि अपने प्रीवियस कैरेक्टर से कुछ अलग करूँ, थोड़ी मेहनत करूँगी और नया करने की कोशिश करूँगी, ताकि जो इसके पहले वाला जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग लगूँ। कैरेक्टर फन लविंग है, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट बहुत सारे इमोशनल लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो आपको लाइक इसके सारे इमोशंस में बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। कैरेक्टर में डेप्थ है बहुत ज़्यादा, तो इसको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड लाइक इसके डिस्कशंस होते हैं हमारे विद द डायरेक्टर, एंड मेरा बुआ माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सो शी इज़ प्लेइंग माई बुआ माँ, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो कैरेक्टर इज प्रीटी मच लाइक दिस ओनली, इट हैज लॉट ऑफ इमोशनल लेयर्स, दैट इज व्हाट आई फील, तो वो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। बिल्कुल, की इज लाइक ऑल ऑफ अस, सबके पास एक एक ड्रीम है, अपना अपना ड्रीम है कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ये करना है। वैसे ही गुलकी को एयर हॉस्टेस बनना है, बट उसकी लाइफ में उसकी जो सौतेली माँ है वो एक दीवार बन के खड़ी है, तो वो दीवार कैसे पार करती है अपनी बहन के साथ, ये गुलकी की स्टोरी है। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है हमारा, ये हमारी लाइफ का ट्विस्ट है और इन्हीं के साथ फिर हमारा मेन ट्विस्ट ये होगा, ठीक है, जिनसे हमारा आमना सामना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प पार्ट है। और उसके पहले जो है वो गुलकी का स्ट्रगल, गुलकी कैसे निकलती है वहाँ से, या निकल भी पाती है कि नहीं निकल पाती है, ये आपको देखना। मैम, नए चैनल के साथ जुड़ना कितना मुश्किल रहा, क्या हमने सोचा सन टीवी के साथ जुड़ना, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चैनल है साउथ का, नंबर वन नेटवर्क है, मैंने सोचा ऐसा नहीं है कि एकदम से अरे हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक गैम्बल है। जब मैं नाम नहीं लूँगी चैनल्स का, लेकिन मैं फिर भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब भी कोई चैनल जब नया लॉन्च हुआ है तो एक एक गैम्बल रहा है, लेकिन आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो यस, मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सन टीवी ये नाम हमारे लिए नया नहीं है, ये नाम हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमें पता है कि कितना सक्सेसफुल नाम है और कितना सक्सेसफुल चैनल है ये। तो अब जब ये अपना हिंदी चैनल लॉन्च कर रहे हैं तो अच्छा है, इस सफ़र में हम भी उनका साथ देंगे और साथ में कामयाब होंगे एक और बार। आपको लगता है इससे कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और मज़ा भी आएगा। स्टोरीज आर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं, एंड लाइक द कास्ट इज़ गुड, और भी शोज़ के बहुत अच्छे कास्ट है, एंड वेरी वेल नोन फेसेस आर देयर विद अस, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा, इट्स गोना गेट टू अ गुड लेवल। या सो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कास्टिंग को लेकर या किसी लोकेशन को लेकर या स्टोरी को लेकर, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो देन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। काम्या मैम, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि हमें आज भी आपका एक पुराना किरदार याद है सिंदूरा का, जहाँ पे वो बहन थी जो भाई के शादी को लेकर, यहाँ पर आप बुआ हैं और फिर एक शादी हो रही है और लुक भी रिजेंबल कर रहा है। नहीं, लुक तो बिल्कुल ऐड हुआ है, बस मैं फैन था उस शो का, ज्वेलरी ऐड हुआ है, क्या कहना चाहोगे मैम?
ये प्रॉमिस करती हूँ आपको कि इसमें सिंदूर आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। ये आपने मुझे अभी चैलेंज दे दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सिंदूरा से अलग हो। वहाँ पर बहन थी या बुआ हूँ वो भी अरे इनके पास लाइट है, कोई टेंशन नहीं है। वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। ये भी क्या बोलते हैं, भतीजा भांजा, भतीजा भतीजे से बहुत प्यार करती है और बहुत प्रोटेक्टिव है उसे लेकर। आगे तो फिर कहानी बताएगी क्या उतार चढ़ाव आते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपने रिस्क की बात की, जो नामचीन चैनल्स हैं वो 3-3 महीने में शो बंद कर देते हैं, वो रिस्की नहीं है? एक एक्टर इतनी मेहनत करता है, इतना इतनी जान डाल देता है अपने कैरेक्टर में, अपने शो में, और 3 महीने में ख़त्म, तो दैट्स नॉट अ रिस्क। ऑल्सो यू नो जब लॉन्ग रनिंग शोज होते हैं उसके लिए भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स डिनाई करने लग गए कि लॉन्ग रनिंग शो है, सेम कैरेक्टर ऑलवेज, यू नो एवरी डे प्ले करना पड़ता है, कुछ नया नहीं है उसमें, तो उसकी वजह से भी लोग सोच रहे कि हाँ चलो तो बेटर है। और क्या मतलब कि मंडे टू संडे शो चलना चाहिए, एवरी डे मेन लीड। सी आई फील मंडे टू संडे डेफिनेटली हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, लेकिन वो मंडे टू संडे हुआ ही इसलिए क्योंकि इतनी डिमांड है, तो सप्लाई भी आ ही रही है फिर। हाँ, बट उसे कैसे बैलेंस करना है, उसे कैसे डिवाइड करना है, ये मेकर्स के हाथ में, एंड आई थिंक दे विल डू इट, और वो उस चीज़ को डेफिनेटली ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? लॉन्ग रनिंग शो। यस, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लॉन्ग रनिंग शो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि कुछ नया नहीं है करने को। नया आपके हाथ में है कि आप उसे कितना नया बना सकते हैं और कितना फ्रेश रख सकते हैं इवन आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स। मेरा एक शो था जो 6 साल चला, इट वॉज स्टिल सो फ्रेश। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा होगा, शायद 3-3 महीने में शो खत्म हो जाए, आई थिंक वो अच्छा लग रहा होगा, वो लॉन्ग रनिंग नहीं अच्छे लगे। बट अगर आप मुझसे पूछो, आई लव लॉन्ग रनिंग शोज, मैं वैसा ही शो करना चाहूँगी जो लंबा चले, और ये होगा या डेफिनेटली वो मैं हम उसी को देखकर काम करना चाहते हैं। और यू नो आजकल चैनल सोचते नहीं हैं शो बंद करने से पहले, दे डोंट गिव दैट शो अ चांस, दे डोंट गिव द ऑडियंस दैट चांस कि वो शो से जुड़े भी। 3 महीने में क्या होता है, कुछ ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, रेटिंग्स आती है 0.6, 0.7, फिर कहते हैं नहीं इसको बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। देखो रिप्लेस करना नहीं करना वो मैं उसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे कहानी नहीं पता, मुझे मुद्दा नहीं पता। और मैं ये जरूर कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यू नो आई वुड नॉट से कि बिल्कुल प्रोड्यूसर की गलती है या बिल्कुल एक्टर की गलती है। अगर मिडिल ग्राउंड्स पे नहीं आ पाते हैं तो एक कॉल लेना पड़ता है, वो किस क्या हुआ क्यों हुआ मुझे, आप जिसके बारे में बात करें मुझे वो भी नहीं पता है। तो मैं कहूँगी कि मुझे इस मुद्दे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरी मम्मी नहीं देखती IPL। हाँ ऐसी IPL की एक अलग ऑडियंस है, डेली सोप्स की एक अलग ऑडियंस है, तो आई डोंट थिंक सो। अगर हाँ असर होता है उसके लिए हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे वो चैनल हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर्स हो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वो उस टाइम फ्रेम के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है, सो दैट इज़ ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो उठाओ लो बंद नेक्स्ट, 3 महीने में हो बंद नेक्स्ट। एक एक ट्रस्ट होना चाहिए शो पे। अरे कंट्रोवर्सी नहीं करते ना, शो के बारे में बात करते हैं। सन टीवी मैं कहूँगी एक ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड, बहुत जेन्यून ऑडियंस है उनकी साउथ में, और कुछ तो ऐसा रहा होगा उनमें जो उनके पास वहाँ पर इतनी अच्छी ऑडियंस है, अब वो वही टीम यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ जैसा साउथ में इन्हें प्यार दिया गया है वैसा ही प्यार इन्हें यहाँ भी दे,
और आशीर्वाद दे कि हम सब साथ मिलकर अच्छा काम करें और इस चैनल को भी टॉप पर पहुंचाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।